पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया और किया 3 मैच की T20 सीरीज पर कब्जा। करेंगे इस पूरे मैच की बात, चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। आठवीं बात करते हैं, टॉस जीता पाकिस्तान ने और किया बैटिंग का फैसला। अब पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ, वही टीम खिलाई जिन्होंने पिछले मैच में खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम में 4 बदलाव हुए। डफी जो पिछले मैच में 4 विकेट लेते थे, डेब्यू किया था न्यूजीलैंड की तरफ से, उनकी जगह पर जैमिसन को खिलाया गया। सेंटनर की जगह पर टिम साउदी को खिलाया गया। ब्लेयर टिकनर की जगह पर ट्रेंट बोल्ट को और मार्क चैपमैन की जगह पर केन विलियमसन कप्तानी कर रहे हैं इस मैच में। पाकिस्तान की शुरुआत इस मैच में बेहद ख़राब रही। पाकिस्तान के 3 विकेट महज 33 रन पर गिर गए। इसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने यहाँ से जिम्मा बहुत अच्छा संभाला और फिर नावा 57 बॉल पर 99 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के, वो भी गगनचुंबी छक्के शामिल थे। और हफीज़ का साथ निभाया खुशदिल शाह ने, जिन्होंने हालांकि 14 रन बनाए, लेकिन इन दोनों के बीच 63 रनों की अहम साझेदारी हुई। जब 56 रन पर 4 विकेट हुई थी, तब इन दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप करी और बहुत अच्छे स्कोर तक ले आने की नींव रखी इन्होंने और मैच की अपनी वो मोड़ने की कोशिश भी की। आखिर में इमाद वसीम के 5 बॉल पर 10 रन और हफीज़ के लास्ट 3 बॉल पर 16 रन की बदौलत पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 163 बनाने में कामयाब हो गई। और इस तरीके से जो लगा था कि वो 140-130 कर पाएगी, इस बार उन्होंने फिर 163 रन बनाए, जो हर बार ये न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जो ताकत हुआ करती थी कि आप स्टार्टिंग में विकेट लेते हैं, लास्ट में आप पिटते हैं। ये एक न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लास्ट में वो रन बहुत खा लेती है। इस वजह से 160-163 रन यहाँ बनाने में कामयाब हो गई पाकिस्तान की टीम। अब बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो साउथी ने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं नीशम और सोरी को 1 ही विकेट मिला। काइल जैमिसन सबसे ज़्यादा महंगे साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में 43 रन दे डाले। और जवाब में लक्ष्य का पीछा करने हुई थी न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत अच्छी रही। गुप्टिल और टिम सेफर्ट ने 21 बॉल पर 35 रन की पार्टनरशिप करी। गुप्टिल ने 11 बॉल पर 21 रन बनाए, जिसमें 1 चौका 2 छक्के शामिल थे। गुप्टिल अशरफ की बॉल पर रफ को कैच दे बैठे। उस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट पर 35 रन था। इसके बाद नंबर 3 पर विलियमसन आए और आते ही चौके से खाता खोला और पावर प्ले में न्यूजीलैंड 6 ओवर में 1 विकेट पर 46 रन बना दिए। कोई और झटका लगने नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने 19.2 ओवर्स में 1 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया और 3 मैचों के T20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सेफर्ट ने 63 बॉल पर 84 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। वहीं कप्तान विलियमसन ने 42 बॉल पर 57 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। और इस तरह पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में दूसरी हार मिली, जो एक प्रश्न चिन्ह फिर से लग गया है कि इतने दिन पहले आप न्यूजीलैंड पहुंच गए, आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया कोरोना का, इससे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए और डायरेक्ट आप न्यूजीलैंड की सरजमी पर T20 सीरीज खेलने उतर गए, तो आपको क्या फ़ायदा होगा, नुकसान हुआ? आपने थोड़ा गलत कर लिया यहाँ पे कि आपने थोड़ा प्रोटोकॉल अगर नहीं तोड़ा होता तो शायद आपको और टाइम मिल जाता प्रैक्टिस करने के लिए। यही सब सेलेक्टर सोच रहे हैं पाकिस्तान के, अब क्या करना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास 1 T20 मैच और है अपने आप को साबित करने का, या ये कह सकते हैं क्लीन स्वीप बचाने का आखिरी मौका है, क्योंकि इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ODI में क्लीन स्वीप बचा ली थी। लेकिन क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में बचा पाएगी? इसका जवाब परसों 22 दिसंबर को मिल जाएगा। अब पाकिस्तान को कुछ अलग करना होगा, तभी वो क्लीन स्वीप बचा पाएगी, वरना 3-0 से उसे हार मिलेगी और टेस्ट में बिल्कुल 0 नजर आएगी। मुझे लग नहीं रहा कि टेस्ट में भी ये बिल्कुल टक्कर दे पाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो बहुत अच्छी टीम है और न्यूजीलैंड में खेल रही है, वो अपनी सरजमी पर खेल रही है, तो उसका पलड़ा जो है बहुत भारी है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद न्यूजीलैंड जो है वो हावी होगी टेस्ट में भी, और T20 तो सीरीज जीती गई है और मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज भी शायद वो जीत जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम में वो दमखम लग नहीं रहा बिल्कुल कि वो कुछ चैलेंज भी कर पाएगी शायद न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम में केन विलियमसन है, 3 बॉलर जो फास्टर हैं टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट और काइल जैमिसन, वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे पाकिस्तान की टीम पर, क्योंकि पाकिस्तान टीम फॉर्म में बिल्कुल चल नहीं रही है और पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 के बारे में कुछ पता नहीं पड़ पाता, कभी किसको रख लेती है कभी किसको रख लेती है। मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान टीम बिल्कुल चैलेंज कर सकती है न्यूजीलैंड टीम को, और 2-0 से शायद मुझे लगता है टेस्ट सीरीज भी हार के आएगी। और आज जहाँ तक बात है क्लीन स्वीप की T20 सीरीज में, तो मुझे लगता है 3-0 से हार के आएगी वो, और शायद मुझे लगता है 5-0 से हार के आएगी। 3-0 T20 सीरीज और 2-0 से टेस्ट सीरीज हार के आएगी। इससे जो फ़ायदा होगा वो होगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहुँचने के जो नियम बनाए हैं, अगले नियम बनाए हैं, उससे उसके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा और 70% पहुंच जाएगी वो, और इंडिया की टीम के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। इंडिया की टीम दुआ कर रही होगी पाकिस्तान जीत जाए, एक आध टेस्ट मैच जीते न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उसके चांस जो है बेहतर हो जाएंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि इस सीरीज़ का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है टेस्ट सीरीज़ का, तो आप जरूर देखिएगा इस सीरीज़ को। ये सीरीज़ 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, उस दिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है 5:30 बजे से, ये मैच 3:30 बजे सुबह स्टार्ट होगा, तो आप जरूर देखिए जग के थोड़ा सुबह जल्दी।
तो चलिए मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।